धनपुरी चाहे एनएसपी रोहिणी वेलकम बैक टू द माय चैनल पूनम डायरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आई हूँ बारबेक्यू नेशन रजौरी। तो फाइनली आज हम यहाँ का फूड ब्लॉग शूट करने वाले हैं। एक बार जो बारबेक्यू नेशन की मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे यहाँ का ना फूड बहुत पसंद है और मैं प्रेफर करती हूँ कहीं और बारबेक्यू में ना जाकर बीबीक्यू में आऊँ। तो दिल्ली के जितने भी आउटलेट हैं ना मैं सब में जा चुकी हूँ, बस मैं यही फर्स्ट टाइम आई हूँ रजौरी में। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल मेट्रो के नीचे है, जैसे आप एग्जिट करेंगे बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगा, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। और दूसरी बात ये कि जो चार्जेस है वो 1000 रुपीज़, वो तो कहीं के भी 1000 रुपीज़ पर पर्सन है और 9 साल से नीचे के बच्चों का कोई चार्ज नहीं है। और इसके अलावा अगर आप लंच पे आते हैं मंडे टू संडे कभी भी तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी, लेकिन अगर आप डिनर पे आते हैं तो वही ड्रिंक आपको चार्जेबल मिलेगा। तो फाइनली आपको डिसाइड करना है कि आपको कब आना है। देखिए वैसे आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन या लंच या डिनर पे जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है कि आप बुफे लें, क्योंकि बुफे में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और जितना मन चाहे उतना खाओ और मतलब मज़ा आता है। मुझे तो लगता है कि बुफे ज़्यादा अच्छा होता है आला कार्ट से। तो फाइनली हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बुफे को, क्योंकि मुझे पसंद है ना, सबसे ज़्यादा पसंद है बारबेक्यू का जो स्टार्टर होता है और मैं जाती हूँ बस स्टार्टर खाने, उसके बाद मेन कोर्स के लिए कोई जगह ही नहीं रहती, इतना बढ़िया स्टार्टर मिलता है वहाँ। तो अभी यहाँ आम महोत्सव चल रहा है और ये है हमारा आम पन्ना, और भी बहुत कुछ है। चलिए अब चलते हैं मेन कोर्स की ओर। तो जो लोग वेजिटेरियन है उनका फूड अलग सेक्शन में है और जो नॉनवेज खाते हैं उनका अलग। तो फाइनली फूड में मुझे बहुत सारी चीज़ें वैरायटीज़ तो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि और जितने बारबेक्यू नेशन के आउटलेट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होते हैं, यहाँ उसके अकॉर्डिंग कम है। तो फाइनली ये सैलेड है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, और भी बहुत कुछ है। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी ब्लॉग में बने रहिए, अभी बहुत कुछ है। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ आम महोत्सव चल रहा है, तो मैंगो देख सकते हैं आप रखा हुआ है और मैंगो के बहुत सारे वैरायटीज़ भी हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रहा डेजर्ट जो कि मैंगो से ऑलमोस्ट बना हुआ है और वो तो खा के पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। तो अभी तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वीडियो मैंने गलत तरीके से बना दिया, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। जो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई वो मैं टेबल पर आपको ज़रूर दिखाऊँगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। ये हर बार का सीन है, जब भी हम बुफे खाने जाते हैं हम स्टार्टर इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि मेन कोर्स में कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। और थोड़ा बहुत मैंने बिरयानी ली थी और चिकन ग्रेवी ली थी, लेकिन वो भी मुझसे नहीं खाया गया क्योंकि बिल्कुल पेट में जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा लिटरली हमने खा लिया। और फाइनली 2 डेजर्ट मैंने लिया क्योंकि मैंगो से बना हुआ था, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करना बनता है। और ये साथ में जनाब देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं, तो ये मैंगो का डेजर्ट तो बहुत टेस्टी है बहुत। सबसे अच्छी बात है कि अगर बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी कुछ भी है तो यहाँ केक भी अवेलेबल होता है, आप वो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो बहुत सर्च के बाद मेरे माइंड में आया कि नहीं, कोई नई जगह जाने से अच्छा है कि हम बारबेक्यू चलते हैं, वहाँ का फूड हमने ट्राई किया है और बहुत इकोनॉमिकल है, तो क्यों ना बारबेक्यू ही चलें, क्यों कहीं और ट्राई करें और क्यों आला कार्ड लेकर सरदर्दी पालें क्योंकि बच्चे को पसंद नहीं आएगा, हमें पसंद नहीं आएगा वो फूड। तो इससे बढ़िया है कि बूफे पे जाइए, बारबेक्यू जाइए और बारबेक्यू का आनंद लीजिए। तो आई होप ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और मेरी तरह कंफ्यूज होते हैं खाने को लेके और चेंज नहीं करना चाहते हैं तो बारबेक्यू ही जाना और कहीं ना जाना, तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग।